हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2000 अभ्यर्थी की पांच को काउंसलिंग। मुजफ्फरपुर में 2000 अभ्यर्थी पांच को होने वाले काउंसलिंग में भाग लेंगे। पांच को साहिबगंज नगर पंचायत के लिए कैंप जो है वो लगेगा, और ये कैंप जो है जिला स्कूल में लगाया जाएगा। मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल में कैंप लगाया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारा डाउट जो आप लोगों का है वो क्लियर हो जाएगा। छठे चरण के शिक्षक बहाली काउंसलिंग कैंप को लेकर निकाले गए शेड्यूल के पहले चरण में जिले में 5 जुलाई को एक काउंसलिंग कैंप साहिबगंज नगर पंचायत के लिए लगाया जाएगा। इस नगर पंचायत में 39 पदों के लिए 2000 अभ्यर्थी जो है दौड़ लगाएंगे। अपनी दावेदारी को लेकर इन अभ्यर्थियों के बीच मेधा अंक की मारामारी रहेगी। जिले में साहिबगंज के अलावा बाकी नगर पंचायत में दूसरे मौके तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन लिए गए थे, ऐसे में उनके लिए कैंप पहले चरण में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो दिव्यांगों के लिए आवेदन लिया गया है दोबारा, तो उसमें और जगह पे दिव्यांगों का आवेदन आया है, जिसकी वजह से जो 5 जुलाई से काउंसलिंग होने वाली है वो काउंसलिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी। अगस्त वाली काउंसलिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि साहिबगंज में वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के लिए बहाली की प्रक्रिया जो है चल रही है। लगभग 2000 आवेदन आए हैं, इसमें सूबे के बाहर के भी अभ्यर्थी हैं। 2000 आवेदन जो है टोटल आया है, जिसमें से सूबे के बाहर के भी इसमें अभ्यर्थी हैं। स्थापना के हरि कुमार ने बताया कि साहिबगंज नगर पंचायत में 6 से 8 में महज 4 सीट है, मतलब कक्षा 6 से 8 के लिए सीटें कितनी है, मात्र 4। 4 सीटें हैं इसमें, हिंदी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 1, संस्कृत के लिए 1 और उर्दू की भी 1 रिक्ति जो है वो है। वर्ग 1 से 5 की बहाली में सामान्य में 24, वर्ग 1 से 5 की बहाली जो होगी इसमें 39 सीट जो टोटल है, उसमें से 4 सीट जो है वो हो गया 6 to 8 के लिए, जिसमें इसे एक हिंदी का सीट है, एक अंग्रेजी का सीट है, एक संस्कृत का सीट है और उर्दू में 1 सीट है, एक एक सीट चारों में है। और वर्ग से 1 से 5 की जो बहाली है उसमें सामान्य का 24 है और उर्दू का 11 रिक्ति है। उर्दू के लिए 11 है और सामान्य के लिए 24 रिक्ति है टोटल। और डीपीओ स्थापना ने बताया कि जिला स्कूल में काउंसलिंग कैंप लगाया जाएगा। 10 से 5 के बीच अभ्यर्थी को आना है। नगर पंचायत की मेधा सूची नियोजन इकाई के स्तर पर अनुमोदित की जाती है। नियोजन इकाई की ओर से ही वेबसाइट पर सूची जो है वो डाली गई है, ठीक है। तो चलिए, जो भी अपडेट आएगा और भी शिक्षक नियोजन से रिलेटेड एक एक करके मैं सारा अपडेट आप लोगों को करूँगी, और वीडियोज़ आप लोगों का जो डाउट रहता है उस पर वीडियोज़ लेकर आज मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियोज़ लेकर आऊँ, आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर करूँ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।